एक संत गांव-गांव विहार कर रहे थे। रात हो जाने पर एक गांव में रुके। कबीर नाम के उस व्यक्ति ने संत की खूब सेवा की। दूसरे दिन कबीर ने संत को बहुत सारे उपहार देकर विदा कर दिया। संत ने कहा, खुदा करे तू दिनों दिन यूं ही बढ़ता रहे। संत की बात सुनकर कबीर हंस पड़ा और बोला, अरे संत जो है यह भी नहीं रहने वाला। संत ने कबीर की ओर देखा और वहां से चला गया। 2 साल बाद संत फिर कबीर के घर गया। कबीर का सारा वैभव समाप्त हो चुका था। वह अब एक गांव में एक जमींदार के वहां नौकरी करता था। संत कबीर से मिलने गया। कबीर ने अब की बार भी अपनी हैसियत के अनुसार संत का स्वागत किया। झोपड़ी में बिछी फटी चटाई पर बैठाया, खाने के लिए सूखी रोटी दी। दूसरे दिन जाते समय संत की आंखों में आंसू थे। संत ने कहा, हे खुदा ये तूने क्या किया। कबीर फिर हंस पड़ा, बोला, संत तू क्यों दुखी हो रहा है। महापुरुषों ने कहा है हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनो यह भी नहीं रहने वाला। संत सोचने लगा, मैं तो केवल भेष में संत हूँ, सच्चा संत तू ही है कबीर। 2 साल बाद वह संत फिर कबीर के गांव पहुंचा। देखकर हैरान रह गया कि कबीर तो अब जमींदारों का जमींदार बन गया है। मालूम हुआ कि जिस जमींदार के वहां वह नौकरी करता था उसकी कोई संतान नहीं थी। मरते समय वह अपनी सारी संपत्ति कबीर को दे गया। संत ने कबीर से कहा, अच्छा हुआ वह दुख की घड़ी गुजर गई, खुदा करे अब कोई मुसीबत ना आए। यह सुनकर कबीर फिर हंस पड़ा और कहने लगा, संत अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। संत ने पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला। कबीर ने उत्तर दिया, हाँ यह तो यह चला जाएगा या फिर इसको मानने वाला। अगर शाश्वत कुछ है तो वह है परम सत्ता। कबीर की बात को संत ने गौर से सुना और चला गया। संत करीब 1.5 साल बाद फिर लौटता है और देखता है कि कबीर का महल तो है लेकिन कबूतर उसमें गुटरगू कर रहे हैं। कबीर दुनिया से ही जा चुका था। संत सोचने लगा, यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है, सुख या दुख कुछ भी सदा नहीं रहता। हम सोचते हैं कि पड़ोसी मुसीबत में है और मैं मौज में हूँ, पर ना तो मौज रहती है ना मुसीबत। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। जब हम ये मान लेते हैं तो बाहरी चीजों के बजाय अपने पीस ऑफ माइंड पे जोर देते हैं। अगर हम धैर्य बनाए रखें तो कंडीशंस बेहतर हो ही जाती हैं। हम सभी ने टेस्ट क्रिकेट जरूर देखा होगा। कितनी ही बार एक बैट्समैन दिन की शुरुआत में धीरे और आराम से खेलता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है फील्डिंग टीम और बॉलर्स थकने लगते हैं और बैट्समैन की रन बनाने की स्पीड बढ़ती जाती है। सोचिए कि अगर वो बैट्समैन दिन की शुरुआत में ही आउट हो जाए तो उसे कितना अफसोस होगा। ठीक ऐसे ही जब हम लाइफ को लेके परेशान होते हैं तो अक्सर जल्दीबाजी करते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं। ये डिसीजन हमें आगे चल के अफसोस करने पे मजबूर कर देते हैं। अगर हम धैर्य बनाए रखें तो हम ज्यादा सोच समझ के डिसीजन लेते हैं और आसानी से कठिन सिचुएशंस में से बाहर आ जाते हैं। अगली बार अगर आपके मन में घबराहट हो तो इन चीजों के बारे में सोचें, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।